घंटों की बारिश में स्विमिंग पूल बन जाता है ये इलाका। प्रयागराज में संगम के पूर्वी छोर पर बसा है झूसी। यहाँ प्राइवेट और सरकारी कई शिक्षण संस्थान हैं, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी झूसी में परमाणु ऊर्जा विभाग से जुड़ा दुनिया भर में मशहूर हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट और गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट भी स्थित है। हालांकि शहर, देश और प्रदेश की शान बढ़ाने वाले झूसी का एक दूसरा शर्मनाक पहलू भी है। कुंभ के दौरान प्रयागराज के सुंदरीकरण में हजारों करोड़ों रुपये खर्च हुए थे, पर नगर पंचायत झूसी के वार्ड नंबर 5 का बुरा हाल है। कजारिया तालाब के आसपास का इलाका मिनटों की बारिश में ही डूब जाता है, या कहें तो स्विमिंग पूल भी बन जाता है। इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। अधिकारियों तक लोगों ने कई बार अपनी बात पहुंचाई, पर निराशा ही हाथ लगी। हर साल बारिश होती है, या तो लोग उसके सूखने का इंतजार करते हैं, या फिर पानी को इधर उधर रास्ता देकर निकालने का जद्दोजहद करनी पड़ती है। शनिवार को प्रयागराज के झूसी में करीब आधे घंटे की बारिश हुई थी, और तस्वीरें गवाह हैं कि वार्ड नंबर 5 का क्या हाल हो गया है। घर, शौचालय, स्कूल, सब कुछ पानी पानी हो गया है। लोगों को पानी के सूखने या बहने का कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा, और इस कारण लोग भूखे ही रहे हैं। रोजमर्रा के काम के लिए भी लोगों को दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। हाल ही में नाली का निर्माण हुआ था, उसकी क्या हालत हो गई आप देख सकते हैं। पानी लगने की समस्या से बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। यहाँ KS कॉन्वेंट स्कूल में, जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पानी भर जाने से स्कूल आने वाले छोटे बच्चों को भी परेशानी हो रही है। उनके जूते और कपड़े गंदे हो जाते हैं, कई बार तो फिसल कर गिर भी चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत नगर पंचायत से भी की गई है, पर कोई रास्ता नहीं निकला। पानी की समस्या के कारण लोगों को अपने ही घरों में रहना दुश्वार हो गया है। नगर पंचायत